भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से 90 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कुछ लोगों ने 1 तारीख को नामांकन भरा। आज 3 और 4 अक्टूबर को सभी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आज पूरे राज्य में केंद्र सरकार के अनेक मंत्रीगण, राज्य सरकार के मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हरियाणा राज्य में अपने प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कराने के लिए आए हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मेरा भी कलायत आना हुआ और हरियाणा राज्य में चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत है। गत 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं, उनका प्रभाव भी हरियाणा में देखने को मिल रहा है। और जो ट्रांसपेरेंसी यहाँ स्थापित की गई है, उसकी विश्वसनीयता काफ़ी अधिक मात्रा में हरियाणा में दिखाई देती है। और मैं यह कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के माध्यम से हरियाणा की राजनीतिक संस्कृति को एकदम बदलने में सफलता प्राप्त की है। इसके कारण जनता पार्टी और सरकार के बीच में विश्वास का एक सेतु मजबूत हुआ है। उसी के बल पर हम सब लोग चुनाव में जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा राज्य की जनता आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परिश्रम करेंगे और हम 75 पार का आंकड़ा पूरा इस चुनाव में कर पाएंगे। लगभग महीने डेढ़ महीने से संगठनात्मक कवायद चल रही है। हर श्रेणी के कार्यकर्ता के साथ अलग अलग बैठकर चुनाव की रणनीति बनाई गई है। सभी पदाधिकारी, विधानसभा के प्रभारी, हमारे मंडल अध्यक्षगण, प्रदेश के पदाधिकारी और विधानसभा में जो प्रवासी कार्यकर्ता हैं, वे सारे लोग अपनी अपनी जवाबदारियों को मोर्चे पर संभाल चुके हैं। और हमारी कोशिश है कि हम घर घर जाएं और भारतीय जनता पार्टी का निवेदन विनम्रता के साथ जनता के बीच में प्रस्तुत करें। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी अब देश का भी और हरियाणा का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और ऐसी परिस्थिति होना अस्वाभाविक नहीं होती, क्योंकि एक ही क्षेत्र में अनेक कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। तो स्वाभाविक रूप से चयन तो एक का ही होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक साथ हैं और जिनके मन में थोड़ी बहुत नाखुशी है, उसको भी हम चर्चा करके संभाल लेंगे। अभी तो इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अभी टिकट डिक्लेयर हुए हैं, लोग नामांकन अपना कर रहे हैं, चर्चा जारी है और मैं विश्वास करता हूं कि उसमें हमको सफलता मिलेगी। ठीक है सर। हम सब के बाद विराजमान पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक गुर्जर जी, प्रांत श्रीमती शकुंतला वजीर खेड़ा जी, श्री जोगीराम जी, श्री अजीत चहल जी, श्रीमती कमलेश ढांडा जी का नामांकन भराने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। चुनाव के चारों तरफ चुनावी शंखनाद की आवाजें आ रही हैं। आज और कल 2 दिन नामांकन के लिए निर्धारित हैं और हम सब चुनाव के इस समर में इस युद्ध को जीतने के लिए संकल्पबद्ध होकर आज अपने प्रत्याशी का नामांकन जमा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सब भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सेनानियों का मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं,
और भारतीय जनता पार्टी इस देश के राजनीतिक दलों में अपनी कथनी और करनी की एक रूपता के लिए जानी जाती है। आप सब हरियाणा राज्य के निवासी हैं, आप सब इस बात का अनुभव रखते हैं कि भाजपा से पहले इस राज्य में अनेक दलों की सरकारें रही, उन दलों के बड़े बड़े टॉप लीडर हुए जिन्होंने सरकारों का संचालन किया, लेकिन जब सरकार चलाते थे तो बात करते थे गांव गरीब और किसान की, लेकिन जब सरकार में आ जाते थे तो गांव गरीब और किसान भूल जाते थे, परिवार बेटी बेटा समधी और दामाद ही उनके सामने ध्यान में रह जाते थे। और इसके कारण हरियाणा का बहुत नुकसान हुआ, पूरे देश में हरियाणा की बहुत बदनामी हुई, जहां एक ओर आप सब किसानों के परिश्रम के परिणाम स्वरूप हरियाणा खेती के क्षेत्र में देश का मस्तक हुआ करता था, वहीं उन नेताओं की करतूतों के कारण हरियाणा को भ्रष्टाचार के क्षेत्र में भी अग्रणी राज्य माना जाता था। आप इस बात के साक्षी हैं। लेकिन को जब हरियाणा की जनता ने आशीर्वाद प्रदान किया तो आप सब ने अनुभव किया कि बहुमत आपने दिया, मनोहर लाल खट्टर जी को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। मनोहर लाल खट्टर ठीक वैसा ही फकीर है जैसा फकीर हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जैसा फकीर हमारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। ये लोग सुबह से लेकर शाम तक या तो देश की चिंता करते हैं या देश की जनता के कल्याण की चिंता करते हैं, इनका अपना कोई हेतु नहीं है। ऐसा ही फकीर आपका मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। यह वही हरियाणा राज्य है जिस राज्य में भर्तियों को लेकर इस राज्य का एक मुख्यमंत्री जेल में सजा काट रहा है, और आज का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिसने यह सिद्ध कर दिया कि भाजपा की राज में कोई भी नौकरी पैसे देकर नहीं लगेगी, जो लड़का योग्य होगा बिना पैसे के कॉल लेटर उसके घर पर पहुंचेगा। तबादला उद्योग बंद कर दिया, विकास के काम में हरियाणा राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। केंद्र सरकार में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गांव गरीब और किसानों के लिए समर्पित रहेगी। 5 वर्ष पूरे हुए, 5 वर्ष का कार्यकाल और रिपोर्ट कार्ड देखो, जो मोदी जी ने कहा था वही मोदी जी ने जीने का प्रयास किया और उसी को धरती पर उतारने का प्रयास किया। हरियाणा किसानों का राज्य है। वर्षों से स्वामीनाथन की रिपोर्ट एमएसपी पर लागू करने की मांग की जा रही थी, कभी कांग्रेस की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो एमएसपी को 1.5 गुना करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया। और आज तो कई बार आपको आश्चर्य दिखाई देता होगा, हम सब जानते हैं कि गेहूं और धान के लिए मोदी और खट्टर राज है जिसमें गेहूं और धान के समर्थन मूल्य से ज्यादा
बाजरे की फसल का मूल किसान का पार्टी की सरकार ने किया है। कमले डांडा ने जिते आवांगे बहुत सुथरा काम करया है, बहुत अच्छा काम करया है। तुम बोले खुशी हमने बहुत खुशी है हमारी बनेगी जगह, हमने बहुत खुशी बीजेपी पार्टी की हमने जमा बहुत खुशी मना रखी है, खुशी खुशी के काम कर रहा है हमारे रखी है सर चीजा की मौज कर रखी है और आगे भी करेगी ले। ईमानदारी खेल दी है, ईमानदारी को टिकट दिया कमलेश डांडा को, इसको कल्याण से मालिक भी किसका साथी है यार, पब्लिक भी साथी है, इसको बीजेपी के कटोरेंगे। बस बात तो यही है कि जो है ना हमारे लिए अब की बार कैंडिडेट ऐसा आया है कि जो मतलब ने मतलब अच्छा इंसान अच्छी है मतलब ऐसे, और जो है ना और कैंडिडेटों से बढ़िया है और को मतलब जैसे कि मतलब अब की बार कल्याण है ना
कई सालों से पिछड़े वर्ग में चला जा रहा था, जो अब की बार है ना उभर के आएगा। क्यों? पिछली बार जयप्रकाश जी खड़े हो गए थे, वो बन गए थे, और उससे पिछले बार मतलब ऐसे हुआ था कि मतलब रामपाल माजरा जी थे, मतलब हल्के का विकास नहीं हो रहा था। अब की बार हमारी सभी कैंडिडेटों की ये तमन्ना है कि अब की बार कमलेश डांडा को भारी वोटों से जिताएंगे, और जो है 50,000 कम से कम 50,000 वोटों से उसको जिताएंगे। और मैंने हल्के में जब से मतलब टिकट डिक्लेयर हुई है तब से मैंने 5-7 गाँव में 10-15 गाँव में गाँव जाके देखा है तो कमलेश डांडा का पूरा जोर है और कमलेश डांडा का पूरा लहर फैली हुई है और बीजेपी पार्टी जिंदाबाद।